मेरा पहले कई नेताओं ने अपनी बात रखी, INTUC के अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी ने भी आपने आपका सामने अपने बात रखा। मैं INTUC की तरफ से बोलने के समय दो तीन बात रखकर आपका सामने अपना बात खत्म करना चाहता हूँ। अध्यक्ष मंडल का ये तय किया गया है 5 मिनट के अंदर मैं बात खत्म करूँ। आप तमाम लोग जो यहाँ आए हैं, मैं आपको दो तीन बात पूछना चाहता हूँ। मोदी जी, 2014 को आप सत्ता के आने के पहले आपने ये बताया था कि आप काला धन वापस करके ले आएंगे। आपने ये बताया था कि हम जो मजदूर वर्ग के घर में, जो किसान के घर में जो बच्चा है, जिसका पास नौकरी नहीं है, जिसका पास काम धंधा नहीं है, जो नौकरी ढूंढ रहा है उसको नौकरी मिलेगी, उसको काम धंधा मिलेगी। हर साल 2 करोड़ नौकरी आप तय करेंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवान को नौकरी मिलेगी। आपने ये कहकर आया था कि आप आने के बाद ये प्राइस राइज कंट्रोल हो जाएगा, आप उसको कम कर दोगे। प्याज का दाम, आलू का दाम, चावल का दाम, ये तमाम चीज का दाम ये कम हो जाएगा। आपने क्या कहकर आया था, ये सरकार सबका साथ रहेगा, सबका विकास करेगा। मैं INTUC का तरफ से अपना बात रखने के समय आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई हाथ उठाकर बोले कि ये सरकार आपका साथ है? कहाँ गया आपका वादा, कहाँ गया आपका वादा? ये सरकार आपका साथ है, कहाँ गया आपका वादा? नौकरी घटते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, ऐसा हालत बना दिया आपने। आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट घटते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। मैं उड़ीसा से है, मैं केरल के साथियों से बात कर रहा था, मैं महाराष्ट्र के साथियों से बात कर रहा था, मैं राजस्थान के साथियों से बात कर रहा था। क्या हो रहा है किसान के साथ? इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। आज जब बाजार में जो किसान पैदा करता है उसका दाम बढ़ते जा रहा है, तो किसान को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। और मोदी जी, आप आने के बाद किसान का ऊपर हमला बढ़ा है, वर्कर का ऊपर, मजदूर का ऊपर हमला बढ़ा है। ऐसे हालत बना के रखा है कि इस देश का मजदूर और किसान नीचे जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो साथियों असंगठित क्षेत्र से आए, जो साथियों अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आए, आज इनका हालत क्या है? इस देश का 100 से 94% लोग, 94% लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका सोशल सिक्योरिटी नहीं है। उनका कितना मजदूरी पाना चाहिए, उनका मिनिमम वेज क्या होना चाहिए, 18,000 उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप ट्रेड यूनियन से बात करने के लिए तैयार नहीं हो। आप पेंशन के बारे में, हम चाहते हैं कम से कम 3,000 रुपया पेंशन दे दो, सरकार आप बात करना नहीं चाहते। मोदी का पास समय है अंबानी से बात करने के लिए, मोदी जी का पास समय है और दूसरे जो करोड़पतियां है उनसे बात करने के लिए, मोदी जी का पास समय है अदानी का साथ फ्लाइट में घूमने के लिए, लेकिन मोदी जी का पास समय नहीं है कि ट्रेड यूनियन का साथ बात करें। ट्रेड यूनियन का साथ बातचीत करके उनका मजदूरी क्या होगा, मिनिमम वेज क्या होगा, पेंशन क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी क्या होगा, इसको तय करें। तो साथियों, मैं अपना बात खत्म करने का पहले आपको कहना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या दूसरे कोई सेक्टर हो, ये डिमोनिटाइजेशन के बाद, GST का बाद, ये सबसे ज्यादा हमला मजदूर वर्ग का ऊपर हुआ है। ये सबसे ज्यादा हमला हम जो मेहनत का जनता हमारा ऊपर हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, हमला मोदी जी आप कर लो, हम भी तय किए हैं, तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर तय किए हैं, आपका हमला का जवाब हम आपका ऊपर हमला करके देंगे, ये हम तय किया है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहते हूँ, हम आज एक है, हम तमाम ट्रेड यूनियन आज एक है,
हम मोदी जी का बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी, आपको हमारा बात सुनना होगा। अगर नहीं सुनोगे, ये 3 दिन का पार्लियामेंट मार्च ये इंडिपेंडेंट जनरल स्ट्राइक पर जाएगा और इस देश का हालत जो होगा उसके लिए मोदी जी आप और आपकी सरकार जिम्मेदार रहेगा। इस बात का साथ मैं आप सबको आने वाले दिन में और मजबूत लड़ाई लड़ने के आह्वान के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। सबको नमस्ते, सबको लाल सलाम, ट्रेड यूनियन यूनिटी जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।